तो फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के दरमियान बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी है। फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच इंडियन ग्राउंड के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के दरमियान जारी है। इंडियन टीम ने अभी तक 11 ओवर मुकम्मल होने के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन अभी तक बना चुका है। इस तरह अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में, तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहला इनिंग्स खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाकर 178 रन का टारगेट दिया है। बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, लेकिन चेक करेंगे क्या अच्छा गेंदबाजी करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं, क्योंकि इंडियन टीम का अपना ही होम ग्राउंड है और इंडियन टीम ने अभी तक 92 रन बना चुका है। 54 गेंदों के ऊपर 86 रन दरकार इंडियन टीम को इस मैच को जीतने के लिए। टेम्पा आ गया सवर के पहले ही गेंद करने के लिए, खूबसूरत शॉट इस गेंद के ऊपर। विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव दोनों ही मौजूद ग्रीस के ऊपर। विराट कोहली ने 16 गेंदों के ऊपर 24 रन अभी तक बना चुका है और सूर्या कुमार यादव ने 23 गेंदों के ऊपर 29 रन बना चुका है। इस ओवर के दूसरे गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट है एक्स्ट्रा इलाके में और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। विराट कोहली के बल्ले से क्या ही बढ़िया शॉट निकल चुका है फ्रेंड्स, ऑफ स्टंप के ऊपर यह गेंद। और इस तरह जब तक विराट कोहली ग्रीस के ऊपर मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ये मैच भी इंडियन टीम के नाम हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया शॉट खेल चुका है और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 52 गेंदों के ऊपर अब 80 रन दरकार। जंपा ने 2.2 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुका है। इस ओवर का आ गया तीसरे गेंद करने के लिए, बढ़िया शॉट है एक्स्ट्रा इलाके में, बाउंड्री के ऊपर फील्डर मौजूद और इस तरह बहुत ही शानदार थ्रो भी कर दिया गया है, लेकिन 1 रन का कॉल था विराट कोहली की जानिब से और शानदार तरीके के साथ 1 रन मुकम्मल कर दिया गया है। टेम्पा बहुत ही डेंजर बॉलर है। सवर कहा गया चौथे गेंद करने के लिए, अच्छा गेंद, इस गेंद को पुश कर दिया गया है सूर्या कुमार यादव की जानिब से, 2 रन का कॉल और शानदार तरीके के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल कर चुका है। तो बहुत ही बढ़िया रनिंग, नॉट आउट का इशारा। तो फ्रेंड्स, 2 विकेट के नुकसान पर अपना 100 रन मुकम्मल कर दिया गया है इंडियन टीम ने। 12 ओवर का खेल जारी। टेम्पा फिर से आ गया सवर के पांच गेंद करने के लिए, इस बार खूबसूरत शॉट है और बहुत ही अच्छा फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, फिर से 1 रन लेने में कामयाब हो चुका है। 49 गेंदों के ऊपर 76 रन दरकार इंडियन टीम को इस मैच को जीतने के लिए। टेम्पा ने अभी तक अगर हम बात करें तो 5 गेंदों के ऊपर अभी तक इस ओवर में 10 रन दे दिया गया है। इस ओवर का आ गया आखिरी गेंद करने के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया चक्का, गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो दोनों बैट्समैन के दरमियान 33 गेंदों के ऊपर 51 रन का शानदार पार्टनरशिप हो चुका है। सूर्या कुमार यादव ने इस पार्टनरशिप के अंदर 32 रन बना चुका है और विराट कोहली ने इस पार्टनरशिप के अंदर 19 रन बना चुका है। शानदार स्ट्रोक और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, शानदार चक्का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ये दोनों टीमों के दरमियान अगर फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और जितना हो सके इतना ही हमारे इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। 12 ओवर का खेल मुकम्मल, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 108 रन। मार्च फिर से इस ओवर का पहला है गेंद करने के लिए आ गया, बहुत ही बढ़िया शॉट है बाउंड्री के ऊपर, फील्डर मौजूद, शानदार फील्डिंग और 1 रन इस ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर आ चुका है। तो रिक्वायर्ड रन रेट 8.81 का हो चुका है। तो अगर ऑस्ट्रेलियन टीम को इस मैच को जीतना है तो विकेट लेना बहुत जरूरी। गेंदबाज मार्च आ गया इस ओवर के दूसरे गेंद के ऊपर, बढ़िया शॉट विराट कोहली के बल्ले से, गेंद जाएगा बाउंड्री के बाहर, टर्नमैन के इलाके में शानदार चौका सूर्या कुमार यादव। इस तरह विराट कोहली ने आज के मैच के अंदर दोनों ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर दिया गया है। ऑफ स्टंप के ऊपर ये गेंद और इस गेंद को अच्छे अंदाज के साथ उठाकर टर्नमैन के इलाके में कट कर दिया और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। आज इस मैच को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तमाशा आ चुका है। फर्स्ट टी ट्वेंटी मैच जारी है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के दरमियान इंडियन ग्राउंड के अंदर। इंडियन टीम को भी इस मैच को जीतना बहुत ज़रूरी और ऑस्ट्रेलियन टीम को भी, क्योंकि सामने वर्ल्ड कप आने वाला है। 46 गेंदों के ऊपर 65 रन दरकार। विराट कोहली ने 20 गेंदों के ऊपर 41 रन बना चुका है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैच को कौन सा टीम विन करने में कामयाब हो जाएगा? बढ़िया शॉट, बढ़िया चक्का,
और इस बार फिर से विराट कोहली के बल्ले से खूबसूरत 6 रन आ चुका है। क्या ही मसल है और क्या ही ताकत है विराट कोहली का, शानदार खेल रहा है विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ। कदम का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया शॉट खेल कर इस गेंद को उठाकर 6 रनों के लिए खेल दिया गया है फ्रेंड्स। शानदार किस्म का यह मुकाबला जारी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया दोनों टीमों के दरमियान। ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट नीचे आते हुए 7.87 का हो चुका है। तो फ्रेंड्स क्या आप लोगों को क्या लगता है कि विराट कोहली अपना हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं कवर के इलाके में? इस गेंद को अच्छे अंदाज के साथ तो जोरदार शॉट खेला था, लेकिन इस तरह फील्डर मौजूद जिसकी वजह से कोई रन नहीं लिया था विराट कोहली ने। इस ओवर का आ गया फिर से चौथे गेंद करने के लिए, गेंद में शॉट है और चौका है। विराट कोहली ने 23 गेंदों के ऊपर 51 रन बनाकर अपना हाफ सेंचुरी फर्स्ट T20 मैच के अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ मुकम्मल कर दिया गया है। तो शानदार बैटिंग विराट कोहली की जानिब से, हाफ सेंचुरी के अंदर 3 छक्के और 2 चौके शामिल है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग विराट कोहली की जानिब से। तो विराट कोहली के लिए फ्रेंड्स एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत ही अच्छा शॉट गैप में खेल दिया गया है लॉन्ग ऑफ के इलाके में और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो इस हाफ सेंचुरी के ऊपर आप लोगों को जरूर लाइक करना चाहिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली बहुत ही डेंजरस और अमेजिंग बैट्समैन है। इस ओवर का आ गया गेंदबाज आखिरी गेंद करने के लिए, अच्छा गेंद, गेंद गया कीपर की ग्लव्स की जानिब डार्ट डिलीवरी के लिए। 13 ओवर का खेल मुकम्मल, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 123 रन इंडियन टीम का। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाकर 178 रन का टारगेट दिया था। तो चेक करेंगे क्या इंडियन टीम 178 रन का टारगेट पूरा करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं। जिम्पा फिर से आ चुका है 14 ओवर करने के लिए, अपना आखिरी ओवर करने के लिए तैयार। इस ओवर का आ गया पहले ही गेंद करने के लिए, गैप में शॉट है और चौका है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, फिर से एक और शानदार स्ट्रोक और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब किस्म का स्ट्रोक खेल चुका है एक्स्ट्रा इलाके में, गैप में दोनों फील्डर के दरमियान ये गेंद गया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जिम्पा अपना 14 ओवर का पहला गेंद के ऊपर ही 4 रन का चुका है। शानदार बैटिंग इंडियन टीम की जानिब से सूर्य कुमार यादव और इस तरह विराट कोहली दोनों ही मौजूद ग्रीस के ऊपर। बढ़िया मुकाबला जारी, 41 गेंदों के ऊपर 51 रन दरकार इंडियन टीम को इस मैच को जीतने के लिए। 27 गेंदों के ऊपर 37 रन अभी तक बना चुका है सूर्य कुमार यादव ने। इस ओवर के दूसरे गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट उठाया है इस गेंद को डीप मिड विकेट के इलाके में, एक और शानदार छक्का और इस बार फिर से विकेट के ऊपर ही गेंद था, लेकिन इस बार फिर से एक और जोरदार हिट लगा चुका है सूर्य कुमार यादव ने और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब पूरी तरह प्रेशर ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर आ चुका है, शानदार चक्का 40 गेंदों के ऊपर। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें 45 रन दरकार है इंडियन टीम को फर्स्ट T20 मैच को विन करने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत ही अच्छा टारगेट दिया है। लेकिन इस तरह अगर हम बात करें तो इंडियन टीम की जानिब से क्या ही शानदार बैटिंग और बल्लेबाजी जारी है, 133 रन हो चुका है इंडियन टीम की जानिब से, 2 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर का खेल जारी। इस बार फिर से खूबसूरत शॉट है, लेकिन इस तरह बाउंड्री के ऊपर फील्डर मौजूद और 1 रन मिलेगा इस ओवर के तीसरे ही गेंद के ऊपर। इस मैच के अंदर जिम्पा बहुत ही महंगा बॉलर साबित हो चुका है, 44 रन दिया है 3.3 ओवर में और 1 विकेट अभी तक हासिल कर चुका है। बढ़िया शॉट है इस गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा इलाके में विराट कोहली की जानिब से और 1 रन मुकम्मल करने में कामयाब हो चुका है सूर्य कुमार यादव का, अपना हाफ सेंचुरी को मुकम्मल करने के लिए 6 रन दरकार। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव क्या अपना हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? बढ़िया शॉट, कदम का इस्तेमाल करके गेंद जाएगा बाउंड्री के बाहर स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर, खूबसूरत शॉट और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, एक और शानदार चौका। आज के मैच के अंदर सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली दोनों ही चाह गया है, क्या ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है दोनों ही बैट्समैन। शॉर्ट पिच गेंद और इस गेंद को उठाकर खेल दिया गया है फ्रेंड स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर, कोई फील्डर मौजूद नहीं था बाउंड्री के ऊपर, जिसकी वजह से गेंद गया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, एक और शानदार चौका
30 गेंदों के ऊपर 48 रन बना चुका है सूर्या कुमार यादव ने। अपना हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सूर्या कुमार यादव को सिर्फ 2 ही रन दरकार। जिम्प आ गया इस ओवर के आखिरी गेंद करने के लिए, बढ़िया शॉट मिड ऑफ के इलाके में, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ फ्रेंड 14 ओवर का खेल मुकम्मल, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 137 रन इंडियन टीम का। ये ग्राउंड का माहौल चेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी। फर्स्ट T20 मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया दोनों टीमों के दरमियान। मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड रन 50 का हो चुका है। ICC T20 रैंकिंग के ऊपर भी इस इंडियन टीम पहले ही नंबर के ऊपर मौजूद है। इस बार खूबसूरत शॉट विराट कोहली के बल्ले से, विराट कोहली का फेवरेट शॉट है ये, लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद गया बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक और शानदार चौका विराट कोहली का, जो भी फेवरेट शॉट है वही विराट कोहली माने जा रहा है, क्योंकि कभी एक्स्ट्रा, कभी डीप मिड विकेट, कभी लॉन्ग ऑफ के इलाके में एक शानदार बल्लेबाजी कर रहा है विराट कोहली। तो बहुत ही अच्छा बैटिंग जारी है इंडियन टीम की जानिब से। स्कोर हो चुका है 143 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर का खेल जारी। विराट कोहली को आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 35 गेंदों के ऊपर 35 रन दरकार। अब मेरे ख्याल से ये मैच इंडियन टीम के हाथों के अंदर आ चुका है। मार्च तैयार इस ओवर का आ गया दूसरे गेंद करने के लिए। इस बार खूबसूरत शॉट, वही गेंद, वही इलाका, और गेंद गया बाउंड के बाहर 4 रन के लिए। एक और शानदार चौका, और इस बार फिर से लॉन्ग ऑफ के इलाके में विराट कोहली के बल्ले से खूबसूरत शॉट फील्डर के सर के ऊपर, शानदार 4 रन आ चुका है। जब भी आप लोग विराट कोहली को ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर गेंद करोगे तो चौका या छक्का जरूर आएगा इस गेंद के ऊपर, क्योंकि विराट कोहली बहुत ही डेंजरस और बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो नीचे रिक्वायर्ड रन रेट नीचे आते हुए 5.47 का हो चुका है। तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इस बार 6 है भाई, डीप मिड विकेट के इलाके में खूबसूरत शॉट और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक और लंबा छक्का, क्या ही बढ़िया बैटिंग जारी है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की जानिब से। फिर से ऑफ स्टंप के ऊपर बाहर गेंद था, लेकिन इस तरह विराट कोहली ने इस गेंद को उठाकर खेल दिया गया है डीप मिड विकेट के इलाके में 6 रनों के लिए। 33 गेंदों के ऊपर अब 25 रन दरकार इंडियन टीम को इस मैच को जीतने के लिए। स्कोर हो चुका है 153 रन, 150 रन इंडियन टीम ने मुकम्मल कर दिया गया है। 2.3 ओवर में 36 रन दिया है मार्च ने, लेकिन अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर चुका है। बढ़िया शॉट है इस गेंद के ऊपर, लेकिन इस तरह एक्स्ट्रा इलाके में फील्डर मौजूद है और 1 रन मिलेगा इस ओवर के 4th गेंद के ऊपर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव क्या अपना हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं। मैच आ गया इस ओवर के 5वें गेंद करने के लिए, बढ़िया गेंद है, इस गेंद को पुश कर दिया गया है। 2 रन का कॉल सूर्य कुमार यादव की जानिब से, और शानदार तरीके के साथ 2 रन में मुकम्मल कर चुका है। तो 32 गेंद के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने अपना हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर दिया गया है फर्स्ट T20 मैच के अंदर। 2 चक्के और 2 चौके इसके इनिंग्स के अंदर शामिल है। तो सूर्य कुमार यादव के लिए एक बार जोरदार तालियां, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए सूर्य कुमार यादव के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ही महंगा और अभी तक कर रहा है इस मैच के अंदर। इस तरह शानदार गेंद था, लेकिन 1 रन जा चुका है। तो इस तरह तकरीबन 18 रन जा चुका है इस ओवर के अंदर। तो फ्रेंड्स पार्टनरशिप हो चुका है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों बैट्समैन के दरमियान। 51 गेंद के ऊपर 100 रन का, क्या ही बढ़िया पार्टनरशिप। विराट कोहली ने इस पार्टनरशिप के अंदर 49 रन बना चुका है, और इस तरह सूर्य कुमार यादव ने इस पार्टनरशिप के अंदर 49 रन बना चुका है। मैक्सवेल आ चुका है फ्रेंड्स गेंदबाजी करने के लिए, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही एक्सपीरियंस किस्म का गेंदबाज है मैक्सवेल। चेक करेंगे कि मैक्सवेल अब क्या करने वाला है क्या नहीं। 15 ओवर का खेल मुकम्मल, 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है 157 रन, रिक्वायर्ड रन 4.20 का हो चुका है। इस बार बहुत ही अच्छा गेंद है, लेकिन इस गेंद को पुश कर दिया गया है सूर्य कुमार यादव ने, और 1 रन मिलेगा इस ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर। सूर्य कुमार यादव ने 34 गेंदों के ऊपर 52 रन बना चुका है। विराट कोहली ने 29 गेंदों के ऊपर 67 रन अभी तक बना चुका है।
मैक्सवेल इस ओवर का आ गया दूसरे गेंद करने के लिए, बढ़िया शॉट है इस ओवर के दूसरे गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा इलाके में, तमाशा की जानिब से बहुत ही अच्छा तालियां, और इस तरह एक रन जा चुका है इस ओवर के दूसरे ही गेंद के ऊपर। फिर से बहुत ही अच्छा मुकाबला जारी, फिर से मैक्सवेल आ गया इस ओवर के तीसरे ही गेंद के ऊपर, अच्छा गेंद और ये बज गया सूर्य कुमार यादव और इस तरह आउट करार दे दिया गया है। फ्रेंड्स ये क्या हो गया, शानदार गेंद, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि स्टंप से बच गया सूर्य कुमार यादव, लेकिन आउट हो चुका है। 35 गेंदों के ऊपर 52 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव आउट हो चुका है। 148.57 स्ट्राइक रेट से खेल रहा था सूर्य कुमार यादव, स्लो डिलीवरी गेंद तक तो चेक करेंगे कि केस आउट हो चुका है, और ये मेरे ख्याल से पल्ला हवा में है जिसकी वजह से आउट करार दे दिया गया है। फ्रेंड्स ऋषभ पंत अब आएगा बैटिंग करने के लिए, विराट कोहली के साथ देने के लिए आ चुका है ऋषभ पंत, बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है। 36 मैचेस के अंदर 336 रन बना चुका है, एवरेज 15 स्ट्राइक रेट 121.74, T20 क्रिकेट के अंदर एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है ऋषभ पंत की जानिब से, और बेस्ट स्कोर 58 है, 27 गेंदों के ऊपर 19 रन दरकार इस मैच को जीतने के लिए इंडियन टीम को। मैक्सवेल तैयार इस ओवर का गया चौथे गेंद करने के लिए, अच्छा गेंद शॉट इस गेंद के ऊपर डीप मिड विकेट के इलाके में, दो रन का कॉल विराट कोहली की जानिब से, और शानदार तरीके के साथ ऋषभ पंत ने दूसरा रन मुकम्मल कर चुका है, बढ़िया रनिंग, स्कोर हो चुका है 161 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 16 ओवर का खेल जारी। मैक्सवेल फिर से आ गया इस ओवर के पांचवे गेंद करने के लिए, और शॉट सिक्स आते ही वे इस ओवर के दूसरे गेंद के ऊपर, बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन के इलाके में ऋषभ पंत के बल्ले से गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, क्या ही बढ़िया हिट लगा चुका है सूर्य कुमार सॉरी ऋषभ पंत ने, और क्या ही बढ़िया चक्का चुका है इस ओवर के दूसरे गेंद के ऊपर, सॉरी इस ओवर के चौथे गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया चक्का चुका है, लेकिन ऋषभ पंत का ये दूसरा गेंद था, पहले गेंद के ऊपर 2 रन लिया और दूसरे गेंद के ऊपर बढ़िया चक्का चुका है। मैक्सवेल ने 5 गेंदों के ऊपर 10 रन दिया है और विवेक एक विकेट भी इस ओवर में हासिल कर चुका है। मैक्सवेल फिर से आ गया इस ओवर के आखिरी गेंद करने के लिए, बढ़िया स्ट्रोक इस गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा इलाके में, और एक रन आ चुका है, एक रन के साथ 16 ओवर का खेल मुकम्मल, 3 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है 168 रन इंडियन टीम की जानिब से। स्मिथ आ चुका है गेंदबाजी करने के लिए। फ्रेंड्स तो चेक करेंगे कि स्मिथ अब क्या करने वाला है क्या नहीं, बहुत ही बढ़िया मुकाबला जारी, 24 गेंदों के ऊपर 10 रन दरकार इस मैच को जीतने के लिए इंडियन टीम को। ऋषभ पंत ने 3 गेंदों के ऊपर 9 रन बना चुका है, विराट कोहली ने 30 गेंदों के ऊपर 68 रन बना चुका है, कवर के इलाके में इस गेंद को पुश कर दिया गया है, सामने फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद, विराट कोहली सूर्य कुमार यादव ने क्या ही बढ़िया बैटिंग किया है, और इस ओवर के दूसरे गेंद के ऊपर बढ़िया शॉट बढ़िया चक्का लॉन्ग ऑफ के इलाके में, शानदार स्ट्रोक खेल चुका है और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और शानदार सिक्स ऋषभ पंत के बल्ले से, और अब 4 रन दरकार है इंडियन टीम को इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि 3 मैचेस T20 मैचेस का सीरीज का पहला T20 मैच इंडियन ग्राउंड के अंदर जारी है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के दरमियान, इस मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन 22 गेंदों के बाद 4 रन दरकार है और 7 विकेट इंडियन टीम के पास मौजूद है। स्मिथ तैयार इस ओवर का आ गया दूसरे गेंद करने के लिए, इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, अगली बार फिर से एक और शानदार स्ट्रोक और गेंद गया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और इस तरह पहला T20 मैच इंडियन टीम ने 7 विकेटों से अपना नाम कर चुका है, 3 T20 मैचेस का सीरीज इंडियन ग्राउंड के अंदर जारी है, तो इस तरह 3 T20 मैचेस का सीरीज का पहला T20 मैच इंडियन टीम ने अपना नाम कर चुका है। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 20 ओवर में पहला इनिंग्स खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाकर 178 रन का टारगेट दिया था, इंडियन टीम ने 16.3 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाकर इस मैच को 7 विकेटों से अपना नाम कर चुका है, तो एक बार जोरदार तालियां इंडियन टीम के लिए, इंग्लैंड टीम को भी कंग्रेचुलेशन और इंग्लैंड इंडियन फ्रेंड्स को भी कंग्रेचुलेशन, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली आ चुका है। फ्रेंड्स तो विराट कोहली के लिए एक बार जोरदार तालियां, जो भाई भी विराट कोहली का फैन है तो जरूर कमेंट सेक्शन के ऊपर हैशटैग विराट कोहली
लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स, जिस भाई को भी हमारा ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा है या इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमों के दरमियान अगर फर्स्ट T20 मैच अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो इस तरह जितना हो सके इतना ही हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंशाल्लाह मिलेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।